शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बड़ी मात्रा में मोर्चों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसी बीच युवा कांग्रेस द्वारा विधान भवन घेराव आंदोलन किया गया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सहित कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शीतकालीन सत्र के मौके पर विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा, जहां राज्य के ज्वलंत मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा भव्य मोर्चा निकाला गया, जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, सतीश चतुर्वेदी, विधायक सुनील केदार, बाला साहेब थोरा, साथ ही साथ युवा कांग्रेस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद, जहां भर्ती घोटाले समेत राज्य में चल रहे पेपर लीक घोटाले और किसान आत्महत्या आदि विभिन्न मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस आक्रामक दिखाई दी। गौरतलब है कि इस समय मौजूद नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद युवा कांग्रेस के मोर्चे को अंजुमन कॉलेज से प्रस्थान हुआ। इस समय युवा कांग्रेस की पदाधिकारी शिवानी वडिट्टीवार ने राज्य सरकार पर घोटालेबाज होने का आरोप लगाया। इस मुद्दे को लेकर ये जो कांग्रेस पार्टी है आंदोलन करने जा रही है, बड़े मुद्दे आ रहे हैं और पेपर लीक का मुद्दा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं युवकों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम ये सरकार कर रही है, और ऐसे वक्त पे ये युवकों का रोष है जो रस्ते पे उतरा है। यूथ कांग्रेस सिर्फ एक माध्यम है, क्योंकि पेपर लीक होता है उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं की जाती है, जिसपे जिस लिए इतने साल इतने महीने युवक परिश्रम करके पढ़ाई करके प्रयास करते हैं परीक्षा के लिए, उस पेपर लीक हो जाता है और कोई एक्शन नहीं ली जाती। ऊपर से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है तो फिर क्या करेंगे युवक? आरोग्य विभाग में भी जो है, जो विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मुद्दा उठाया था कि जो आरोग्य विभाग में बड़ी मात्रा में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार सिर्फ आरोग्य विभाग में नहीं, हर विभाग में अभी फिलहाल भ्रष्टाचार हो रहा है, और आरोग्य विभाग जैसे विभाग में ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इतनी पापी सरकार हमने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी, ये पापी सरकार को लोग ही धड़ा सिखाएंगे, ये हम कहना। तरुण बर्बाद करना तो पाप ही सरकार करते है, आणि या सरकारचं आपण पाहिलं असेल की फडणवीसांचं सरकार जेव्हा होतं त्यावेळेसही महाभरतीच्या नावाने ऑनलाईन तरुणांना लुटलं, नोकऱ्या दिल्या नाहीत, लाखो पद महाराष्ट्रामध्ये खाली आहेत, लाखो पद महाराष्ट्रात पद खाली पडलेली आहेत, आणि कंत्राटी भरतीच्या नावानं हे तरुणांना बर्बाद करतोय, त्यांचं आयुष्य बर्बाद करताय। म्हणून युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून हा सगळ्या तरुण आणि तरुणींचा मोर्चा विधान भवनावर निघालेला आहे, सरकारला उत्तर द्यावं लागेल। सरकार नोकरी देऊ शकत नाही तर आता यांच्याजवळ किती जेलमध्ये जागा आहेत, आम्ही सगळे जेल भरू, पण या सरकारशी आता दोन हात केल्याशिवाय युवक काँग्रेस शांत बसणार नाही। बिलकुल बेरोजगारी हा प्रश्न महत्वाचा आहे, महागाई प्रश्न महत्वाचा आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्वाचे आहेत, आणि या सगळ्या प्रश्नांवर काँग्रेस विधानसभेमध्ये चर्चा। हे सरकार तरुणांचं आयुष्य खराब करायला निघालेलं आहे। आज या पोलीस मध्येही पहा मोठी पदं खाली आहे, आज राज्यातला कायदा सुव्यवस्था सगळा बिघडलेला आहे, आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सगळ्या डिपार्टमेंट मध्ये पदं खाली असताना ऑनलाईनच्या नावानं तरुणांना लुटलं जाते आहे। हे फ्रॉड सरकार आहे, हे चिटफंडवालं सरकार आहे, आणि नोकरीची पदं न भरता आपण पाहिलं असेल की एमपीएससीच्या परीक्षेमध्ये मध्या काळामध्ये 31 डिसेंबर पर्यंत या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे जे ओरेज होत होते त्यांना 2 वर्षाची मुदत दिली, पण आता परवा त्यांनी सांगितलं की आम्ही जानेवारीत पदं भरू, ते ईडी बर्बाद करण्याचं काम त्यांनी केलं। स्वाभाविक आहे की हा उद्रेक, युवक काँग्रेसचा उद्रेक या राज्याच्या सगळ्या तरुण मुलांसाठी आहे, आणि सरकारने याचं उत्तर देऊन या सगळ्या तरुण तरुणींना न्याय द्यावा ही भूमिका। गौरतलब है कि इस मोर्चे के दौरान हुए हंगामे के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिसके चलते माहौल और भी गर्मा गया, तो नारेबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।